टाइम हमारे पास कम है, तो पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो जनाब हमारे पास पैकेजिंग का तरीका क्या होता है ज़रा सीख लें, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट करवाऊँगा आपको। जनाब 10 बिस्किट को डिवाइड करना है 2 इक्वल पैकेट में, ठीक है? तो क्योंकि 10 को डिवाइड करना है तो इसलिए 10 फैक्टोरियल ले लें ऊपर, और 2 इक्वल पैकेट हैं तो इसलिए 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आएगा। और याद रखें क्योंकि 2 इक्वल पैकेट हैं तो साथ में आप 2 फैक्टोरियल भी लिखेंगे, और ये 2 फैक्टोरियल साथ में क्यों आया है वो याद दिलाता चलूँ मैं आपको। आपको यहाँ पर याद होगा ये वर्डिंग क्या लिखा हुआ है, रिपीटेड परम्यूटेशन इज ऑलवेज डिवाइडेड। तो हमारे पास अगर सेम स्टैक बनेगा कैसे, तो जहां ये सेम स्टैक है पांच पांच बिस्किट का सेम स्टैक है, तो अब आप बताएं इसमें डिफर कैसे करेंगे? डिफर तो नहीं कर सकते ना आप, तो रिपीटेशन आ गई। जब रिपीटेशन आ गई तो रिपीटेशन कितने की आई है, 2 पैकेट की आई है, इसलिए जो है वो यहाँ पर अपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास कितने पैकेट हैं, 10 बिस्किट हैं, तो जिसको डिवाइड करना है वो ऊपर आएगा, और 4 नॉन इक्वल पैकेट बनाने हैं, तो नॉन इक्वल पैकेट कितने का बनेगा, 4 का बनेगा, 3 का बनेगा, 2 का बनेगा और 1 का बनेगा। लेकिन रिपीटेशन इसमें नहीं होगी, तो रिपीटेशन नहीं होगी तो इसमें रिपीटेशन का तसव्वुर ही नहीं होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा, और क्योंकि यहाँ पर हमें रिपीटेशन है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में कर दें ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब पूछें भाई क्या पूछना है, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी शो कर रहा है कि 2 पैकेट हैं, देन व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 फैक्टोरियल। बेसिकली हम मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल नहीं कर रहे, हम बेसिकली इस आंसर को डिवाइड कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल से। हम 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स टू बी डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। बात समझ रहे बेटा, ये सेम स्टैक पड़ा हुआ है, देखो ये भी 5 बिस्किट है, ये भी 5 बिस्किट है, आपको तो नहीं पता ना कौन सा वाला स्टैक कौन सा है, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, समझ आ गई बात? और यहां पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं।
पैकेजिंग करना आ गई सबको। पैकेजिंग करना आ गई सबको। अच्छा कंफ्यूजन है सर बहुत। देखो बेटा यहाँ पर इस सवाल को पढ़ें क्या लिखा हुआ है। 10 बिस्किट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पैकेट्स। तो 10 हमारे पास बिस्किट है और इसको हमें 2 पैकेट में बनाना है। ये रहे 5 बिस्किट, ये रहे 5 बिस्किट, ये बन गए 2 पैकेट। तो पैकेट बनाने का तरीका ये है कि टोटल आएगा ऊपर, पैकेट 1 आएगा नीचे, पैकेट 2 आएगा नीचे, लेकिन इसके अंदर 5 का पैकेट और 5 का पैकेट बिल्कुल सेम पड़ा हुआ है। जब सेम पड़ा हुआ है तो रिपीटेशन हो गई। जब रिपीटेशन हो गई तो हम उसको डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए हमने डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब ये सवाल करो। 10 बिस्किट्स इंटू 4 नॉन इक्वल पैकेट्स। तो टोटल हमेशा ऊपर आता है, तो 10 फैक्टोरियल ऊपर आ गया। 4 नॉन इक्वल पैकेट बनेंगे, एक पैकेट बनेगा 4 का, एक पैकेट बनेगा 3 का, एक पैकेट बनेगा 2 का और एक पैकेट बनेगा 1 का। बात समझ में आती? हाँ, इसमें रिपीटेशन नहीं। अब क्या कह रहा है भाई, 10 बिस्किट हैं, डिवाइड होना है किसमें, 2 2 3 3। तो टोटल आता है ऊपर, 2 नीचे आया, 2 नीचे आया, 3 नीचे आया, 3 नीचे आया। तो ये हो गई रिपीटेशन 2 की। तो मैंने यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और ये रिपीटेशन हो गई 3 फैक्टोरियल की, तो ये हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ जनाब डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 10 बिस्किट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 बॉयज इक्वली। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेक 5 पैकेट्स, देन यूज पैकेट्स मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आ गई कि 5 पैकेट को हमने 5 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 5 पैकेट जब 5 बच्चों को बांटोगे, 5 पैकेट जब 5 बॉयज को बांटोगे, तो आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी यही करोगे। क्या करोगे, पहले 4 पैकेट बनाओगे और उसके बाद पैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 फैक्टोरियल से, और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी यही करोगे कि पहले जो है वो 3 पैकेट बनाओगे और फिर पैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 फैक्टोरियल से। ये बात समझ में आ गई सबके? बात समझ में आ गई सबके? तो
जनाब अब याद करो पैकेट कैसे बनेगा, अभी बताया मैंने। पैकेट बनेगा ऐसे, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, साथ में आएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 की रिपीटेशन है। और इंटू कर देंगे हम 5 फैक्टोरियल से वादे के मुताबिक। इस तरीके से अनइक्वली कैसे डिवाइड होगा, जैसे हमने यहाँ किया था, और इंटू हम कर देंगे 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हमारे पास तीन तीन चार का पैकेट बनाना था। हमने 3 का पैकेट बनाया, 3 का पैकेट बनाया, 4 का पैकेट बनाया, और क्योंकि ये रिपीटेशन है, कितने की रिपीटेशन है, 2 की रिपीटेशन, और पैकेट बन चुके हैं, 3 पैकेट बन चुके हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इतनी सी बात समझे बेटा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो पहले पैकेट बनाओगे और उसके बाद बांटोगे। कि यहाँ पर क्या किया है मैंने, पैकेट बनाए, ये क्या किया है मैंने, बांटे, ये क्या किया है मैंने, पैकेट बनाए, ये क्या किया है मैंने, बांटे, ये क्या किया है मैंने, पैकेट बनाए, और ये क्या किया है मैंने, बांटे। डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह समझें आम जबान में कि पहले पैकेट बनेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। शायद ये बात समझ में आ गई, पहले पैकेट बनेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये बात समझ में आ गई शायद, पहले पैकेट बनेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये बात समझ में आ गई शायद, तो भाई मेरे बात सुनो, ये यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, पैकेट मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा है भाई, ये बताओ जरा मुझे। कितने पैकेट बनेंगे, 5 पैकेट बनेंगे, कितने बच्चों में बांटने, 5 बच्चों में बांटने, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों किया मैंने, कितने बॉयज हैं, 4 बॉयज, पैकेट कितने होंगे, 4 होंगे, 4 बॉयज को जब 4 पैकेट बांटोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल आएगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर कितने पैकेट हैं, 3 पैकेट हैं, कितने बॉयज को बांटने, 3 बॉयज को बांटने, तो इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा। ये बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई शाहिब, बात समझ में आ गई। तो बेटा ये यहाँ पर क्या किया है मैंने, ये मैंने निकाले हैं पैकेट, ये निकाले मैंने पैकेट, पैकेट को मल्टीप्लाई करना था 4 फैक्टोरियल से, तो पैकेट निकाल के 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर क्या करना था, पैकेट को मल्टीप्लाई करना था 3 फैक्टोरियल से, तो पैकेट निकाल के मैंने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग आपस में इंटरलिंक्ड है, ये बात समझ में आ गई। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी पहले पैकेजेस निकालेंगे और पैकेट निकालने के बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बात समझ में आ गई। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है जनाब।
जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, याद रखो पहले पैकेट बनाओगे फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जबकि अगर सिर्फ पैकेट बनाने हैं तो टोटल ऊपर आता है, और जिस तरीके से पैकेट बनाने हैं वो नीचे आता है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले फ्राइडे, इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपको सवालात मैं फेसबुक पे दिए हैं और अलग से भी दिए हैं, वो सवालात ज़रा कैंडली कर लीजिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है बच्चों, कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैं आप लोगों को लेक्चर अपलोड कर दूंगा आज, और उसके अलावा सवाल आदि दे दूँगा। ठीक है, और कोई बात करनी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा। कोई भी बात अनक्लियर हो परेशान मत होइएगा, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा।